कर्मियों को धन्यवाद जो समय समय इस एरिया में पानी। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। यह डिगी तालाब वार्ड 17 का एरिया है। डिगी तालाब जो बहुत पुरानी तालाब है, ये राजा महाराजाओं के टाइम का है। काफ़ी समय पहले यहाँ पानी की सप्लाई इस एरिया में, लगभग इस एरिया के अलावा जैसे मलूसर तालाब इधर आसपास की सारी पीने योग्य पानी यहीं से जाता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने कचरा डालना चालू किया और काफ़ी ये उसको पूरा कचरे से भर दिया गया था। तो भाजपा सरकार थी जब सावनलाल जाट जी जल संसाधन मंत्री थे, उस समय इसको पूरा खाली करवा के इसको वापस पुनः इसका निर्माण हुआ और इसको पानी पीने योग्य करा। लेकिन आज तक किसी ने इस तालाब की ये सुध नहीं ली कि इसका पानी जो पीने योग्य है उसको इसी एरिया में सप्लाई किया जाए। ये पूरा पानी गंदे नाली में जा रहा है, कचरा लोग आज भी डाल रहे हैं। करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट में सरकार ने खर्च किए लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। प्रशासन ने जो पैसा खर्च किया उसका आपको कोई, पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं। इससे मैं यही अनुरोध है मेरा कि प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, कि इसको वापस इसमें सफाई करके और इसको पीने योग्य बनाकर या सप्लाई करें। और मीडियाकर्मी को मैं धन्यवाद दूंगा कि पिछली बार भी मीडियाकर्मी इसी सीज़न में आए थे गर्मियों के टाइम में, कि काफ़ी किल्लत चल रही थी पानी की। इन्होंने चेतावनी दी थी मीडियाकर्मी ने पहले कि यार ये इसका कोई हो है। और हमारे जो पब्लिक के द्वारा यहाँ कहा भी गया था कि प्रशासन को कई बार लेटर भी लिखे गए थे कि इसका तालाब को साफ करके और हमारे यहाँ जो पानी की जो किल्लत आती है उस किल्लत को दूर किया जाए। हमारा यही है कि इस पानी को साफ सुथरा करके पीने योग्य बनाकर और यहाँ की जनता को सप्लाई की जाए। तो मीठा पानी है बिल्कुल, और सप्लाई करने से क्या होगा, जो गर्मियों में जो किल्लत आती है पानी की, जो बिसलपुर से कई बार बिसलपुर को सूखने के बाद जो नल व्यवस्था, पानी व्यवस्था नहीं हो पाती है, कई हैंडपम्प ख़राब रहता है। तो ये मेरा जहाँ तक ख्याल है ये पूरा वार्ड क्या आधा अजमेर को ये तालाब पानी की समस्या दूर कर सकता है। जब इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। पानी ये बिल्कुल तारागढ़ की पहाड़ियों से होता हुआ अंदर से एक गौमुख बना रखा है, उस गौमुख से पानी आता है और बिल्कुल मीठा पानी है। इतना मीठा पानी है जो बिसलपुर का पानी भी आपको लगेगा कि ये पानी वाकई शुद्ध जल है। पुराने टाइम में यहीं से कई लेडीज़ें यहीं से पानी भर के जाती थी और अपने टैंक भरे जाते थे, फिर सप्लाई किया जाता था। कई दूर दूर से लेडीज़ें आती थी, यहीं पर नहाना धोना होता था, काफ़ी अच्छा माहौल था। आपका नाम? मेरा नाम कीर्तन खेताव।